नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता पर भारी पड़ी बरसों पुरानी आशिक की घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए आशिक से करवा दी बेटे की हत्या। पापा को बताने की जिद पर अड़ा था बेटा। प्रतापगढ़ में एक मां ने अपनी घिनौनी करतूत को छिपाने के लिए अपने 7 साल के मासूम की हत्या करा दी। पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए मां और उसके आशिक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक हत्या का आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। जनपद में एक रिश्तों को कलंकित कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ अपनी घिनौनी करतूत छिपाने के लिए माँ ने अपने 7 साल के बेटे की हत्या करा दी। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए माँ समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बागराय थाना क्षेत्र के लच्छीपुर गांव से 13 फरवरी को अमित लापता हो गया था। पुलिस ने 14 फरवरी को अपहरण का मामला दर्ज किया था। पुलिस ने बच्चे की तलाश के लिए 3 टीमों का गठन किया था। एएसपी पश्चिम संजय राय ने बताया कि 13 फरवरी को आहिबी का पुरवा थाना होलागढ़ निवासी पप्पू उर्फ अमरेश अपने रिश्तेदार श्रीराम विश्वकर्मा की लड़की से शादी हुई थी। वहां अंजू अपने पति कमलेश विश्वकर्मा पुत्र अमित के साथ गई थी। इसी दौरान अंजू ने पप्पू उर्फ अमरेश से कहा कि यहाँ अच्छा मौका है, अमित को मार दो। दरअसल पप्पू उर्फ अमरेश से उनके अवैध संबंध थे कमलेश विश्वकर्मा की पत्नी अंजू से। इस बात की जानकारी अमित को हो गई थी और ये बात पिता को बताने की जिद पर अड़ा था। इसी के चलते अंजू ने अमरेश के जरिए बेटे को अपने रास्ते से हटाने की ठान ली थी। एएसपी ने बताया कि सुनियोजित रणनीति के तहत पप्पू उर्फ अमरेश ने सुमित विश्वकर्मा निवासी जलालपुर से संपर्क किया। अमरेश ने उससे कहा कि मुझे एक लड़के को मरवाना है। इस पर सुमित विश्वकर्मा ने बताया कि मेरे गाँव के अक्षय उर्फ अच्छे, सरोज, करण व गौतम, राहुल का भाई धीरज ये काम कर सकते हैं। इसके एवज में कुछ पैसा खर्च करना होगा। रजामंदी होने के बाद सुमित ने अमरेश को अक्षय, करण व धीरज को मिलवाया। इसके बाद चारों आरोपियों ने मिलकर अमित को किसी तरह श्रीराम विश्वकर्मा के घर के बाहर रोड पर लेकर आए। जहां रोड पर अक्षय, करण और धीरज मिले, वहां से अक्षय और करण अमित को करण की बाइक में बैठा लिया और भैंसासुर के पीछे नाले पर ले गए। इसी दौरान अमरेश व धीरज पैदल नाले पर पहुंच गए। फिर वहां पर अमरेश, अक्षय, करण व धीरज ने मिलकर अमित विश्वकर्मा की मुंह गला दबाकर हत्या कर दी और शव को वही गड्ढे में दबा दिया। मामले में अंजू समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 1 आरोपी की तलाश जारी है। लगातार खबरों पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, हेडलाइंस न्यू भारत।